Hey guys, thanks for being here my YouTube channel, myself Shruti. I'm back with a new video और आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिश जिसका नाम है ब्रेड उपमा और ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है, बहुत टेस्टी है. आप घर पे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा इस वीडियो के एंड होने के बाद, क्योंकि मैंने इस डिश में स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसीजर इस रेसिपी की बताई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो ब्रेड उपमा बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स. तो सबसे पहले हम लेंगे ब्रेड, जो कि कम से कम 15 स्लाइस ब्रेड हमने लिया है. आप चाहे तो क्वांटिटी, अपने क्वांटिटी के हिसाब से भी ब्रेड स्लाइसेस बढ़ा सकते हैं. थोड़ी सी मूंगफली, तेल लिया है कम से कम 4 टेबलस्पून ऑयल हम यहाँ यूज़ करेंगे. राई कम से कम एक स्पून राई हम यहाँ यूज़ करेंगे. हल्दी 1 से 1.5 चम्मच, छोटे चम्मच हल्दी हम यहाँ यूज़ करेंगे. नमक स्वादानुसार, एक बड़ा कटा हुआ टमाटर मटर लेंगे और एक बड़ी प्याज कटे हुए, थोड़े से जिंजर, फ्लेवर के लिए कड़ी पत्ता, एक बड़ा गाजर कटा हुआ और 2 हरी मिर्च. आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग भी हरी मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम ये जो ब्रेड स्लाइसेस हैं इसके हम क्रम्स बनाएंगे. ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिया है. ये ब्लेंडर में आपने ब्लेंड कर दिया है, ये जो ब्रेड स्लाइसेस हमने लिए थे उसके हमने क्रम्स बना दिए. सो ओके गाइस, तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और फिर हम इस पे डालेंगे ऑयल, तेल डालेंगे, करीब 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे और फिर हम डालेंगे इसमें मूंगफली. अच्छे से इसको सॉटे करेंगे, मिक्स करेंगे, अच्छे से ये मूंगफली भुन जाए. देखिए आप, मूंगफली भुन चुका है. अब इसको हम अलग कर देंगे, मूंगफली को भुनने के बाद हम अलग कर देंगे. अब हम थोड़ा सा राई डालेंगे, मस्टर्ड सीड्स. फ्लेवर के लिए कड़ी पत्ता, प्याज कटे हुए डालेंगे. और जिंजर, जो कटे हुए जिंजर, अदरक जो कटे हुए थे वो डालेंगे. हरी मिर्च, 2 कटे हुए हरी मिर्च. और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. अब हम इसमें एक बड़ा गाजर कटा हुआ जो था वो हम डालेंगे. अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मटर डालेंगे. मटर डाल के एक टमाटर कटा हुआ डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे. ओके गाइस, सो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 से 1.5 टेबलस्पून नमक डालेंगे और फिर हम इसमें हल्दी डालेंगे, करीब 1 से 1.5 टेबलस्पून, छोटे चम्मच. और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो क्रम्स बनाए हुए थे ब्रेड के वो हम डालेंगे. धीरे धीरे क्रम्स को डालिएगा ताकि वो
वो जले ना, और डालते ही थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइएगा। मिक्स करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लो फ्लेम में ब्रेड क्रम्स जब हम डालेंगे तो लो फ्लेम में इसको हम मिक्स करेंगे, ताकि ये नीचे जले ना। ओके गाइस, सो ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें मूंगफली डालेंगे जो फ्राई करके हमने रखे थे अलग, इसको हम डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके गाइस, सो ब्रेड उपमा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करते हैं गर्मा गर्म। ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं ब्रेड उपमा बनके रेडी हो चुका है। ये झटपट से बनने वाला रेसिपी है और काफ़ी टेस्टी भी है। आप घर पे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कि एक और अगले नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।